दूसरी बात कि गोचरण अर्क सिर में रूसी हो जाती है ना, तो लोग शैंपू लगाते हैं, और शैंपू भी कौन से नाम होते हैं। एक बार हम कार में बैठे थे, रेड सिग्नल पे कार रुकी थी, सामने शैंपू के विज्ञापन का बोर्ड था, उस पे लिखा था ऑल क्लियर। तो मेरे साथ जो भाई बैठे थे मेरे को मजाक करते हुए बोले, देखो भाई साहब क्या लिखा है सामने। मैंने कहा ऑल क्लियर। बोले ऑल क्लियर मना ये लगाओ तो ऑल क्लियर, जहां बाल वहां आ जाए ताल। बीच थोड़े समय पहले तो मैंने भी दो चार बार लगाया था ये ऑल क्लियर, मैंने देखा ये सचमुच ऑल क्लियर कर देगा, तो मैंने छोड़ दिया लगाना। मैं कभी कभी गोचरण अर्क लगाता हूँ सिर में, उससे रूसी साफ हो जाती है, तो अपने को ऑल क्लियर नहीं है। अभी देखो है ऑल क्लियर नहीं है, अगर मैं लगाता रहता तो फिर हो गया काम तमाम। ऑल क्लियर, इससे तो गोचरण अर्क अच्छा, थोड़ा पानी में मिलाकर सिर में लगाओ ना तो रूसी साफ हो जाती। डैंड्रफ किसी को भी हो ना सिर में, गोचरण अर्क थोड़ा पानी में मिलाकर कोरे बालों में सुबह लगा दे, और एक आध मिनट के बाद धो डाले, ज्यादा ना रखना, एक मिनट में तुरंत पानी से धो देना सिर, ऐसे मुलायम बाल हो जाएंगे कि शैंपू का बाप है गोचरण अर्क। थोड़ी स्मेल जरूर आएगी उसकी, पर फायदा बहुत करेगा, और वो पुण्यदायी स्नान माना जाएगा। शैंपू तो क्या क्या पड़ता है उसमें, भगवान बचाए, सुबह सुबह मुर्गी के अंडों से बना हुआ शैंपू सिर में लगाना है अच्छी। गोचरण अर्क तो पवित्र है, देसी गाय का चरण है, जर्सी गाय नहीं अपनी गौशाला में, सब भारतीय नस्ल की गाय। तो अगर उसका आप उपयोग करते हैं तो समझो आप भी गौ सेवा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण नंगे पांव गायों के पीछे घूमते थे, गौ सेवा करते थे, और आजकल लोग कुत्तों की रस्सियां पकड़ के घूम रहे हैं, टॉमी टॉमी मोती मोती, दूसरे जन्म में वही बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए गौ सेवा करनी चाहिए। हमारे देश में जितने लोग कुत्ते पालते हैं ना, वो लोग अगर कुत्ते पालना छोड़कर गायों को पालना करें या गौ सेवा शुरू कर दें, तो हमारे देश में गायों के कत्ल खाने बंद हो सकते हैं।